अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पोमेरियन पाउडर के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ। जो आप मेल देख रहे हैं अभी माशाल्लाह स्क्रीन पर, ये 2016 का बर्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं ये फुली एक्टिव है माशाल्लाह, इस 40 प्लस टेम्परेचर में भी। तो क्या वजह है कि हमारे जो बर्ड हैं ये 2-4 साल में 5 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये अताउर रहमान भाई का बर्ड है माशाल्लाह मेरे पास है। मैं बताऊं कि वो अताउर रहमान भाई की आदत थी कि वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक पेड़ को तोड़, मेल अलग की मेल अलग, और सितंबर एंड पे जाके अक्टूबर में वो दोबारा पेयरिंग करते थे, और अक्टूबर से लेके तो मार्च तक वो ब्रीड करते थे। उसके बाद पेड़ को मेल अलग फीमेल अलग, जिससे देखेंगे ये कम से कम 8 साल का बर्ड भी माशाल्लाह फुल जोबन पर है। अब तमाम लोगों को भी ये एडवाइस है कि पूरा साल लगातार ब्रीड ना दिया करें, इससे बर्ड बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी एज में फ़र्क पड़ता है, उनकी फर्टिलिटी में फ़र्क पड़ता है, और इसके अलावा जो फीमेल्स हैं जो अंडे देने की सलाहियत है वो तस्वीर होती है। तो जितने भी बड़े ब्रीडर हैं बाहर मुल्क के, वो भी ऐसा करते हैं कि सीज़न में पेयरिंग की और जब सीज़न ऑफ हुआ तो फिर अलग करते हैं। बहुत शुक्रिया।